ये है पिलाई फिश, इसका है 200 रुपए भाव। पोपट फिश भी है, ये भी 200 का भाव है। येलो वाम 600 के भाव से है, कम ज्यादा भाव भी रहता है। ये शार्क फिश, ये पूरी पार्सल गली है, यहीं से बर्फ कट के जाता है माल के लिए। ये सब माल जो है ये पैक होने वाला है, ये सब फिशेज जो है यहाँ पर पैक होती है कुछ किस तरीके के बॉक्स में, छोटे बड़े बॉक्स भी होते हैं। यहाँ पर वाम फिश का माल पैक हो रहा है, 250 रुपए 850 का भाव है सुरमई फिश का। कोमड़ा, हलवा, वाम, टोल का नॉर्मल भाव 250 रुपए, सुरमई 700-750 रुपए, बांगड़ा 100-150 रुपए किलो। लगभग यहाँ पर सारी फिश अवेलेबल रहती है। ये अगर लाल है तो समझो ताजा है। टोल फिश यहाँ पर पड़ी हुई एकदम बेहतरीन कंडीशन की, क्या भाव होने वाला है इसका? 230 रुपया। लोग देख सकते हो, खजूरा फिश आपको पीछे भी दिखाई थी, 530 का रेट है। सकते देखो इसका रेड तो है लेकिन थोड़ा हल्का रेड। टब का सुबह लिएगा ना, बाजार 6000 तक जाता है। काफी सारे बोमिल के टब्स भी है, 1500 रुपए टब, 350 का भाव है। क्या काउंट का है? 40-45 काउंट का है। 200 रुपए किलो है पागट फिश का भाव। वाम फिश का क्या भाव है भाई? आप लोग ऑल ओवर इंडिया माल मंगा सकते हो, 250 रुपए किलो। ये देख सकते हो गाइस, आप क्रैब्स वगैरह भी अवेलेबल है। मरण ये 80 रुपए। अपने पास तारली भी है, क्या भाव में भाई? ये 120 रुपए। तो काफी बड़ी सगला फिश पड़ी है जो कि 56 kg की है, ये 350 रुपए किलो के हिसाब से। 600 रुपए भाव है खजूरा का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सभी? तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फिश का बिजनेस आप लोग कैसे कर सकते हो। घर बैठे आप लोग फिश मंगा सकते हो, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा ऑल ओवर इंडिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनके जरिए से ही माल जाता है। पीछे रेलवे ट्रैक है, उसके जरिए से भी माल जाता है। और यही है मुंबई की सबसे बड़ी फिश मार्केट जो कि CST फिश मार्केट कहलाई जाती है। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है जिस पर कि 14 लाख व्यूज़ भी आए हैं। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का रहा है। सो अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर कौन कौन सी फिशेस अवेलेबल है और क्या क्या प्राइस में है। चलिए चलते हैं अंदर और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे फिश मंगा सकते हो। बस वीडियो में बने रहिएगा, बीच में आप लोगों को सारा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है? चलिए चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं। सो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो झींगा फिश अवेलेबल है। झींगा ये देख सकते हो भाई, कितने काउंट का है? ये 35 काउंट का। 35 काउंट का क्या रेट में है ये? 420। अरे यार भाव ज़्यादा है, भाव करना पड़ता है। सो चलिए चलते हैं अंदर भी, और भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी झींगा है भाई। क्या भाव में? ये 350 का भाव है। 350 का भाव है। क्या काउंट का है? 40-45 काउंट का है, आप लोग चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारी फिशेज अंदर मार्केट में अवेलेबल है, आपको दिखाते हैं अंदर। चलो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी फिशेज आपको दिखाते हैं प्राइस के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पाकट फिश भी अवेलेबल है। इसका क्या भाव रहेगा? 200 रुपए किलो है पाकट फिश का भाव। और यहाँ पर रावस भी है, वाम फिश भी है। वाम फिश का क्या भाव है भाई? 250 रुपए किलो। आप लोग देख सकते हो अंदर वाम फिशेज भी है, वाम फिश है, हलवा है, पाकट है। यहाँ पर क्रैब्स भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो भाई। इनके हाथ बंधे हुए हैं, डर लग रहा है। उठा लूँ क्या? उठा सकता हूँ एक? हाँ ये देखो, ये देख सकते हो गाइस आप, क्रैब्स वगैरह भी अवेलेबल है। क्या भाव में सर? ये 400 रुपए किलो है। उसका भी सेम भाव है? ये वो वाला 300 है, ये आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर। ये क्रैब्स वगैरह मिलते हैं, और भी बड़े बड़े क्रैब्स भी आते हैं। जैसे बड़ा क्रैब आता है वो कितने भाव में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 700 रुपए किलो आता है। अच्छा, तो ये तो अभी छोटा क्रैब्स है, मार्केट में बड़े बड़े क्रैब्स भी आते हैं। और जितनी भी फिश मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी आप लोग घर बैठे मंगा सकते हो। आप लोगों को मैं इंस्टा आईडी दूंगा, उस पर DM करके आप लोग मंगा सकते हो। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो काफ़ी सारे बोमिल के टब्स भी है। अभी हम लोग पता करते हैं बोमिल के टब का क्या रेट है। क्या भाव है बोमिल के टब का? 3500 टब का। कितने किलो है टब के अंदर? 40 के ऊपर है। ये देखो गाइज यहाँ पर ये बोमिल वगैरह है, यहाँ पर मतलब बोमिल आपको मिल जाएगा। ये सब 3500 रुपये टब है। तो चलते अंदर भी देखते हैं और इधर पूछते हैं ये क्या भाव है भाई टब? 1500 रुपये टब। चलो सो गाइज अलग अलग प्राइजेज हैं, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्राइस था, क्वालिटी के हिसाब से भी रहता है। थोड़ा छोटा मोटा और थोड़ा पुराना माल रहता है तो सस्ता भी मिलता है, तो फ्रेश माल होता है अच्छा होता है तो वो आपको महंगा मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई ये कौन सी मच्छी है? ये मरण है। मरण मरण क्या भाव में है ये? ये 80 रुपये के भाव से है। और वहाँ पर देखो
आप लोग चेक कर सकते हो। ये अपने पास तारली भी है, इधर मार्केट में तारली भी अवेलेबल है भाई। क्या भाव में तारली? 130 रुपए किलो। कहाँ का माल है ये? पोरबंदर का माल है। अच्छा, और ये भी है, ये कौन सी मच्छी है भाई? रानी फिश। छोटी फिश है ये, बड़ी फिशेज भी आती है रानी में, आप लोग देख सकते हो इधर। क्या भाव में भाई ये? 120 रुपये किलो। तो चलिए अंदर चलते हैं और भी दिखाते हैं। बहुत सारी फिशेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आज जो है जुमरात है, तो आज थोड़ा भीड़ आपको कम मिलेगी, तो इसलिए मैं आज शूट कर रहा हूँ। थोड़ा इजी होता है शूट करने के लिए। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी सकला फिश पड़ी है, जो कि 56 केजी की है। ये 350 रुपये किलो के हिसाब से है, काफ़ी बड़ी है, आप लोग चेक कर सकते हो। 56 केजी की है। और यहाँ पर छोटी वाली वाम भी है, और यहाँ पर खजूरा भी है, आप लोग देख सकते हो। खजूरा फिश अवेलेबल है यहाँ पर। ये खजूरा का क्या भाव है? खजूरा का 600 रुपये भाव है खजूरा का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और सुरमई भी है यहाँ पर, सुरमई फिश, ये आप लोग देख सकते हो। बड़ी भी मिल जाती है अंदर, छोटी भी मिल जाती है, छोटी भी वहाँ पर पड़ी हुई है। तो भाई ये सुरमई फिश का क्या भाव है? सुरमई फिश का 850 का भाव है सुरमई फिश का। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। तो भाई बताएंगे आज थोड़ी फिशेज के बारे में, कौन कौन सी फिशेज आती है मार्केट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप बताइए। ये हमारे पास है सुरमई, टोल, कोमड़ा, हलवा, वाम और ताम। अच्छा। सब तरह की फिशेज आती है अपने पास। सब तरह की आती है। और मतलब क्या क्या भाव में आती है? जैसे नॉर्मली जैसे क्या क्या भाव रहता है ये पोपट, सुरमई, बांगड़ा, टोल का? टोल का नॉर्मल भाव 250 रुपये, सुरमई 750-750 रुपये, वाम 700 रुपये, और बांगड़ा 100-150 रुपये किलो। और ये पोपट का अपना? पोपट 220-250 रुपये किलो होता है। अच्छा। सो गाइस, इसी तरीके से जैसे आज जुमरात है, तो जुमरात में थोड़ा कम भीड़ रहती है मार्केट के अंदर, तो ये जो है शूट करने के लिए इसलिए मैंने आज चॉइस किया, क्योंकि थोड़ी कम भीड़ होती है तो शूट जोड़ा सही हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ में तो शूट करना बहुत मुश्किल रहता है। और ये टाइमिंग आप ही बता दीजिए, मार्केट का टाइमिंग क्या आने के लिए यहाँ पर? स्टार्ट टाइम 3 बजे। 3 बजे से लास्ट कब तक? लास्ट 9-10 बजे तक। लास्ट 9-10 बजे तक आप लोग, रात के 3 बजे से 9-10 बजे तक आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पर। तो चलते आगे भी दिखाते हैं, और बहुत सारी फिशेस हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिलापिया फिश है, 80 रुपये किलो बता रहे हैं, वहाँ पर भी पड़ी है छोटी, ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला है, आप लोग देख सकते हो सिलापिया फिश। मार्केट में बहुत सारी फिशेज अवेलेबल है, लगभग यहाँ पर सारी फिश अवेलेबल रहती है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया माल कैसे मंगा सकते हो। मैं आपको इंस्टा आईडी दे दूंगा अपना, नीचे आ रहा होगा अली आलिम व्लॉग्स, आप उस पर ही डीएम कर सकते हो। उस पर जाकर आपको कोई सी भी फिश मंगानी हो, लेकिन गाइज आप लोगों को एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। आप लोग भरोसा कीजिएगा, जो भरोसा कर सकता है वो माल मंगा लीजिएगा, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैंने पहले वीडियो डाली थी, काफ़ी सारे मेरे कस्टमर्स बने हैं और वो भी एडवांस पेमेंट करते हैं और माल मंगाते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसा माल वो बोलते हैं वैसा ही माल हम लोग उनको भेजते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भरोसा कर सकता है वो माल मंगा सकता है। आप लोगों को यहाँ पर जो भी माल चाहिए रहेगा, प्राइस बताएंगे, फ़ोटो भेजेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप लोग मंगा सकते हो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठ करके। अगर आपका जैसे रेलवे का है, तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिएगा आपके नियर बाय कौन सा रेलवे स्टेशन है, सो उससे जो है इजी हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग माल की बात करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग आपको माल भेजेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं और भी फिशेज आपको दिखाते हैं यहाँ पर। सो गाइस, हमारे सामने पड़ी है कटला फिश, और हमारे साथ है समीम भाई हमारे। सो ये बताएंगे कि मच्छी की मतलब पहचान कैसे कर सकते हैं, जैसे मच्छी खरीदने आते हैं काफ़ी लोग जो है ज़्यादा भाव में बेकार माल लेके चले आते हैं, बासी माल लेके चले आते हैं, उनको नहीं मालूम रहता, तो उसकी पहचान कर लेंगे। समीम भाई हमको बताएंगे कि फिश की ताज़ी की और बासी की पहचान कैसे होती है। सो आप हमें बताइए कैसे पहचान होती है। ताज़ा मछली की पहचान ये है कि इसकी गावड़ी खोल के देखेंगे, ये अगर लाल है तो समझो ताज़ा है। अच्छा। और ये अगर वाइट पड़ गई तो समझो बासी है। अच्छा। तो वो वाइट वाली नहीं लेनी चाहिए, वो खराब मच्छी रहती है। एकदम रेड रेड होती है तो मतलब समझो एकदम ताज़ी है, फ्रेश है एकदम, जैसे ये रेड एकदम, तो ये समझो ताज़ा है एकदम, एक नंबर। और थोड़ा जैसे ये वाइट पड़ जाता है, हाँ, इसमें थोड़ा तो, इसमें थोड़ा सा वाइट पड़ा हुआ है, तो ये मतलब थोड़ा सा पुराना है। हाँ। ये एकदम ताज़ा है, ये ताज़ा है, ये थोड़ा बासी हो। हाँ, ये बिल्कुल रेड रेड है। तो गाइज ये आपकी पहचान हो सकती है, और क्या पहचान होती है इसके अलावा? और क्या, बदन छू के देखते हैं नरम है या टाइट है, बदन से पता लगता है।
ये एकदम टाइट मच्छी है, तो समझो एकदम ताज़ा है, एकदम ताज़ा है। आप लोग छू के भी पता लगा सकते हैं। तो दबाने से नरम पड़ता दिखता है कि ये नरम है, तो समझो बासी है। सो गाइस, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम लोगों को मालूम रहता है। जैसे बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं कि नए नए फिश खरीदने आते हैं, वो ज़्यादा भाव में बासी मच्छी लेके चले आते हैं, नरम मच्छी लेके चले आते हैं। सो इसके लिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। तो आप लोग कभी भी आओ तो ये चीज़ चेक करके ज़रूर लेना। सो भाई के पास आ गए हैं, यहाँ पर भाई के पास है टोल। भाई आपका नाम क्या है? तानाजी मारुति वगरी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग टोल फिश यहाँ पर पड़ी हुई एकदम बेहतरीन कंडीशन की। भाई क्या भाव होने वाला है इसका? 230 रुपया। 230 रुपये में कुछ कम होएगा क्या? कम नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं यार, कोई वीडियो देख के आएगा तो कम नहीं। 210 रुपये में हम लोग नहीं लाया है। चलो ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोग आगे देख सकते हो, काफी सारी आप लोगों को फिशेस दिखा दी हैं। तो बहुत सारी फिशेस अवेलेबल होती हैं, आप लोग कोई भी मंगा सकते हो। आप लोग अली आलिम व्लॉग्स मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। और जो भी इन्फॉर्मेशन मतलब आप लोग के नियर बाय जो स्टेशन है आप लोग सबसे पहले वो बताइएगा, मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ कि इजीली आप लोगों को वहाँ माल जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, तो खजूरा फिश आपको पीछे भी दिखाई थी और यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो ये 530 का रेट है, वहाँ पर 600 रुपये का रेट बता रहे थे। तो सब जगह अलग अलग भाव मिलता है। अब देख सकते हैं इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको लो मिलेगी, मतलब कम प्राइस रहता है तो लो क्वालिटी भी रहती है, उस हिसाब से आप लोग इधर से जैसे समीम भाई ने आपको वीडियो में बताया वो आप लोग चेक कर सकते हो। देखो इसका रेड तो है लेकिन थोड़ा हल्का रेड है, तो ये थोड़ा पुराना माल है, तो आप लोग इस तरीके से आकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी अलग अलग रेट की पड़ी है, ये 530 का है, 580 का है, अलग अलग भाव से यहाँ पर खजूरा फिश पड़ी है। चलो सो फाइनली गाइज आगे आ गए हैं। भाई आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष भाई हमको बताएंगे इधर के पास आपके पास क्या क्या फिशेज अवेलेबल है। ये मेरे पास झींगा है, नार्वे है, बोम्बिल है। बोलो ये क्या क्या भाव में आता है? ये झींगा 200 रुपया, नार्वे 80 रुपया, बोम्बिल 200 रुपये, 180 रुपया होता है। अरे ये इसका टब का भाव क्या है? टब का 2000 रुपया है, 3000 रुपया, 4000 रुपया ऐसा होता है। मार्केट में भाव डेली का सेम रहता नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है ना। अभी जैसे बोम्बिल का सबसे ज्यादा से ज्यादा हाई कितना हो जाता है? ज्यादा से बोम्बिल इतने बढ़ जाते, थोड़ा वाइज लंबा साइज होता है, इतना ही रहता है बोम्बिल का। जैसे टब का भाव क्या रहता है? टब का सुबह लेगा ना बाजार 6000 तक जाता है, 6000 तक नीचे, कभी माल कम रहेगा तो 10000-8000 तक जाता है। मतलब माल कम रहता है तो डिमांड ज्यादा रहती है, तो प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 8000-9000 का भी टब हो जाता है ना। और कम से कम 2000-4000 रुपए में टब आता है नॉर्मली, है ना, तो उसके आपसे उसके हिसाब से मिलता है। तो भाव जो है बिल्कुल भी फिक्स मार्केट में रहने वाला नहीं है, जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग यहाँ पर आओ और आपको यही भाव में जो है माल मिले, ठीक है, फिक्स बिल्कुल नहीं रहता है। आप लोग जैसे मेरे से मंगा रहे हो कभी माल, सो वो भी हो नहीं हो सकता कि यही प्राइस में आपको मिले, सो ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट का प्राइस, ठीक है। तो आप लोग जैसे भी आप लोगों को चाहिए माल तो आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पे कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अली आलिम ब्लॉग्स। गाइस मैं आ गया हूँ फ्रंट साइड में, जो कि रोड से भी जाता है तो यहाँ पर भी गेट मिलता है फिश मार्केट का, और बैक साइड से भी गेट है। सो आप लोग इधर से कैसे आ सकते हो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, आज भी मैं बता रहा हूँ। सो आप लोग वीटी स्टेशन से आओगे सीधा सीधा इस साइड पे तो आप लोगों को ये मिलेगा। देखो उधर हज हाउस भी है, हज हाउस के नियर ही है ये, और इधर साइड आपको मनीष मार्केट मिलेगा, तो मनीष मार्केट और हज हाउस के बीच में फिश मार्केट है। सो आप लोग यहाँ पर ईजिली आ सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से मिल जाएगा एड्रेस। सो गाइस देख सकते हो ये है पिलाई फिश, आप लोग देख सकते हो इसका है 200 रुपये भाव, और यहाँ पर पड़ी हुई है पोपट फिश भी पड़ी हुई है, यहाँ पर आप लोग इधर चेक कर सकते हो पोपट फिश भी है, ये भी 200 का भाव है, पोपट फिश है ये भी 200 का भाव है। और ये अपने सुरमे का क्या भाव रहेगा? 800 रुपये सुरमे का भाव रहेगा। ये देख सकते हो अपने पास सुरमे फिश भी है, छोटी बड़ी सब यहाँ पर मिल जाएगी, अलग अलग भाव रहता है। गाइज ये आप लोग चेक कर सकते हो येलो वाम, ये 600 kg है, मतलब 600 के भाव से है ये। अभी इसमें क्या ज़्यादा कम ज़्यादा भाव भी रहता है, 600 का भाव है, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है। यहाँ पर पड़ी है ये देखो शार्क फिश, शार्क फिश है 200 के भाव से, ये शार्क फिश। ये है 200 के भाव से शार्क फिश, और भी यहाँ पर काफ़ी सारी फिशेस पड़ी हुई हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारी फिशेस मैंने आपको दिखाई दी हैं, आप कोई सी भी फिश आपको चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा,
जैसा भी होता है आप, हम लोग आपको रेस्पॉन्स देंगे। और प्लीज़ यार परेशान मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है खाली ऐसे परेशान करके भाग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आते हैं ना तो अरेंज नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ आप लोग चेक करके मैसेज कीजिएगा। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है बर्फ़ का डिपार्टमेंट। ये पूरी पार्सल गली है, यहाँ से ही आप लोगों का माल पैक होके जाएगा। और यहाँ से जो है माल के लिए बर्फ़ कटता है। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। यहीं से बर्फ़ कट के जाता है माल के लिए, और यहाँ से कटने के बाद ये पूरी उधर पार्सल गली है, वहाँ पे जाने के बाद जो है माल पैक होता है। आइए आपको दिखाते हैं माल पैक कैसे हो रहा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर माल पैक होता है, वहाँ से बर्फ़ ला के यहाँ पर माल के लिए लाया जाता है। और आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये सब माल जो है ये पैक होने वाला है। जैसे वाम हुई, कोई सी भी फिश हुई, और यहाँ पर पड़ी हुई है सुरमई, पोपट, ये अपना मुस्सी, ये सब फिशेज जो है यहाँ पर पैक होती है कुछ इस तरीके के बॉक्स में। छोटे बड़े बॉक्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बॉक्स पैक हुआ है, और अभी बॉक्स पैक हो गया है। अभी बॉक्स पैक होएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। गाइस अगर आप लोगों को मंगाना हो तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इंस्टा आईडी पे आप लोग मैसेज कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सी फ़िश मंगानी है। बट गाइस आप लोगों को एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, आप लोग एडवांस पेमेंट कीजिएगा, बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिएगा माल के लिए। जो माल बोलोगे आप, जैसा माल बोलोगे हम लोग आपको अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने वीडियो डाली थी तो काफ़ी सारे कस्टमर्स हमारे बने और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम ऑर्डर देते रहते हैं, उनका माल जाता रहता है, कहीं यूपी भी जाता है, मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र भी जाता है, ऑल ओवर इंडिया भी जा सकता है। बट सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है जिससे माल हम लोग भेज सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है माल पैक हो रहा है, यहाँ पर वाम फिश का माल पैक हो रहा है। मस्त नीचे बर्फ़ की लेयर डाली गई है, फिर माल डाला गया, अब फिर बर्फ़ की लेयर डाली जाएगी, अच्छे से माल पैक होगा। बढ़िया करके देखो क्या भाव है, 250 रुपये, ये देख सकते हो। मस्त पैकिंग वैकिंग चल रही है, ये अपना पार्सल गली है, यहीं से माल पैक होके जाता है। यहीं पर आप लोग देख सकते हो, यहीं पर सारा माल पैक होके आपके लिए यहीं से पैक होकर जाया करेगा। जहाँ भी आप लोगों का ऑर्डर होएगा यहीं से माल पैक होकर जाया करेगा। ये देखो तो बस गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। काफ़ी सारी फिशेज मैंने आपको दिखा दी, उनके प्राइस भी बता दिए हैं। और अगर आपको मंगानी हो फिश कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, तो आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर जाके प्राइस वगैरह पूछ सकते हो। डेली का अलग प्राइस रहता है, तो वहाँ पर जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी पर, और स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप लोग जाकर के बात कर सकते हो। आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, आप लोग एडवांस पेमेंट करोगे तो ही आपका माल यहाँ से निकलेगा। आप पेमेंट करेंगे यहाँ से, हम लोग माल खरीद के आप लोगों को भेजेंगे। बस गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।